भारतीय नौसेना ने महिला अधिकारियों को महत्वपूर्ण तैनाती दी है। पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में दो महिलाओं को ऑब्जर्वर्स के रूप में चुना गया है। इससे फ्रंटलाइन जंगी जहाजों पर महिलाओं की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह को यह सम्मान हासिल हुआ है। वह भारत की पहली महिला एयरबोर्न टैक्टिशियंस होंगी जो जंगी जहाजों के डेक से काम करेंगी। नौसेना ने इस ऐतिहासिक कदम के लिए 17 ऑफिसर्स में से इन दो को चुना है। तो चलिए जानते हैं कौन है सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी। 23 साल की कुमुदनी त्यागी गाजियाबाद में रहती हैं। कुमुदनी त्यागी के पिता का नाम प्रवेश कुमार त्यागी है और माता का नाम रीना त्यागी है। कुमुदनी की पूरी शिक्षा गाजियाबाद में ही हुई है। 10वीं तक की पढ़ाई उन्होंने सेंट पॉल स्कूल राजनगर से की है, वहीं 11वीं और 12वीं छबीलदास स्कूल से और फिर ABES कॉलेज से कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में बीटेक की। बीटेक में उन्होंने कॉलेज टॉप किया था। दिसंबर 2018 में उनका भारतीय नौसेना में चयन हुआ। कुमुदनी त्यागी मूल रूप से मेरठ के खरखौदा गांव की रहने वाली हैं। साल 1983 से उनका परिवार गाजियाबाद में ही रह रहा है। उनके दादा सुरेश चंद त्यागी उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। वहीं पिता प्रवेश कुमार त्यागी सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। परिवार में दादी राजेश कुमारी, मारीना त्यागी और छोटा भाई अपूर्व प्रवेश है। न्यूज डेस्क।